हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसके प्रॉब्लम को कैसे एक मिनट के अंदर में सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, dy/dx का यहाँ पर मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। जैसे ये एक कर्व है, तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, तो जो एंगल मेजर करते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा थीटा, उसका अगर टैन ले लेंगे तो टैन थीटा ही आपका dy/dx है, या उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये पहला पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, वेरी बेसिक है। किसी भी कर्व पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, डैट इज स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, वही dy/dx को बताता है। पॉइंट नंबर टू कि कहीं पे dy/dx ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, x की वो सारी वैल्यू जिस पे dy/dx पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है fx या y वो इंक्रीजिंग है। उसको आप यहाँ से समझ सकते हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हर बार dy/dx क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि dy/dx मतलब क्या हो गया, स्लोप। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 0 से 90 के बीच एंगल बढ़ा रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका वाई इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, अगर वाई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो dy/dx ग्रेटर देन 0, या कहीं पे dy/dx ग्रेटर देन 0 तो वाई इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वैसे ही कहीं पे अगर dy/dx स्मॉलर देन 0 है तो वाई डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसे, यहाँ से देख सकते हो, जैसे ये सब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो देख लो tan थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर स्मॉलर देन 0 हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, डैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहीं पे क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy/dx निकाल के उसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और एक्स की उस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर वो वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ रहा है तो मतलब x की उस वैल्यू पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, लोकल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, तो वो क्लियर है। वैसे ही लोकल मिनिमा निकालना हो तो सेम पॉइंट, पहले dy/dx को निकालेंगे और 0 के इक्वल कर देंगे, राइट। तो वहाँ से अगेन x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, और अगर पुट करने के बाद वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहे तो मतलब एक्स की उस वैल्यू पे आपको लोकल मिनिमा मिलने वाला है। तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए, अगर कहीं पे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ लोकल वर्ड नहीं लगा रहा है, या मिनिमम वैल्यू, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या एब्सोल्यूट मिनिमम, अगर इस टाइप का वर्ड आ रहा है तो आपको ये तो चेक करना है, डैट मीन्स dy/dx निकालना है, उसको इक्वल टू 0 करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की उस वैल्यू पे देखना है कि d2y/dx2 मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। प्लस एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा, जो बाउंड्री कंडीशन होगा, बाउंड्री कंडीशन वहाँ पे भी चेक करना आपको, और उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको मिनिमा बोलेंगे। ये कब, जब सिर्फ क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा या लोकल वर्ड ना लगा हो, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात हुई हो। उसको भी एक ग्राफ से हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये वाला जो है ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है, राइट। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, लोकल मिनिमा। लेकिन अगर एब्सोल्यूट पूछेगा मैक्सिमा, तो ध्यान से देखो, फिर ए से बी में बी पे सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, तो फिर बी जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या सिर्फ मैक्सिमा है, और ए जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है या सिर्फ मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सबसे कम आएगी। तो वेरी क्लियर होना चाहिए, अगर लोकल वर्ड पूछा है तो वो इन बिटवीन में जो पॉइंट होते हैं उस पर बात करता है, और अगर कुछ नहीं बोला है, एब्सोल्यूट बोला है या फिर सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा, तो आपको बाउंड्री कंडीशन पे भी वैल्यू चेक करना है, प्लस जहाँ पे dy/dx 0 रहा वहाँ पे, उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी होगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये चार पॉइंट आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ग्राफ से हमने समझा दिया, अगर इसको अगर आपने अच्छे समझ लिया तो इस पे बेस आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। नाउ ज्ञान की बात, तो ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर वन ये है कि कहीं पे tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 हो, तो इन तीनों का सम पाई के बराबर होगा,
किस फार्मूले से, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी किसके बराबर हो जाता है, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, इससे वेरीफाई कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना, कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, लाइक टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी प्लस टेन इनवर्स ऑफ सी, अगर पाई के बराबर है तो आप थिंक कर सकते हो कि ए वन बी टू और सी थ्री ले सकते हैं, राइट। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना। पॉइंट नंबर टू, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे लगाना है, ऑलवेज आप लगा सकते हो, डैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट अप्रोच या अल्टरनेट मेथड, कि अगर ऑप्शन गिवन है तो एक बार आपको रिवर्स डायरेक्शन में भी थिंक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको इंटीग्रेशन गिवन है और पूछ रहा है कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में आप उसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, राइट। तो ये कहने का मतलब है, तो ऑलवेज आपको कभी कभी ऑप्शन के साथ जाना है, ऑप्शन के थ्रू ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर थ्री की कहीं पे जैसे एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एफ एक्स डी एक्स है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, क्यू एफ एक्स, राइट। तो ये ज्ञान की बात भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको प्रॉब्लम लेकर के बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर वन में इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ई टू द पावर एक्स माइनस वाई है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व बताना है। डैट मीन्स आपको गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई, तो आपको डेरिवेटिव गिवन है, राइट। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन आएगा। तो हम अल्टरनेट वे में सोच सकते हैं कि ये चारों को डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे किसका डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है, राइट, ऐसे सोच सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट सोचना है कि dy वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई है, मतलब x और y के फंक्शन मारे, तो ये दोनों ऑप्शन का चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y सिर्फ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो y के आने का चांसेस कम है, राइट। तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक को चेक करेंगे। अगर सपोज करो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो y का डिफ्रेंशिएशन y डैश e टू द पावर x, राइट, फिर प्लस e टू द पावर x इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y डैश e टू द पावर x इज इक्वल टू वन माइनस e टू द पावर x इंटू वाई, क्योंकि y आना चाहिए था, राइट। अब y डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर देंगे, वन माइनस e टू द पावर x इंटू वाई अपॉन e टू द पावर x, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो e टू द पावर माइनस x ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई आ रहा है, डैट मीन्स क्या होगा, ऑप्शन सी। एक और इसको सॉल्व करने का मेथड ये था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू कर सकते थे, बट मेरे जो कहने का मतलब है वो यही है कि आप कैसे अल्टरनेट वे में सोच सकते हैं, कैसे क्विकली ऑप्शन तक जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में एक फंक्शन है जो कि क्यूबिक फंक्शन है, तो इस फंक्शन की एक्स की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये पूछा है। तो यू नो कि यहाँ पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब x इन्फिनाइट होगा, और मिनिमम तब आएगा जब x माइनस इन्फिनाइट होगा। बट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है, लोकल मैक्सिमम की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में 1, 2, 3 एंड 6 है, डैट मीन्स बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमम की बात हो रही है। तो यू नो लोकल मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, f डैश x, तो वो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और इसको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 एंड 3, राइट। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू लेना या ये, क्योंकि दो दो ऑप्शन है, तो चूंकि मैक्सिमम की बात क्या है, तो f डबल डैश x निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 12, और f डबल डैश 1 अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 6, दैट इज स्मॉलर देन 0। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 जो है वही मैक्सिमम वैल्यू वाला है। क्यों? क्योंकि अगर 3 पुट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो वो मिनिमम वाला है, जो भी आपको कंसेप्ट समझाया था। तो योर ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज ए टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट 2, 3, राइट। तो यहाँ पे समझना है कि अगर ये टेंजेंट है तो स्लोप हमें मिल चुका, राइट, m कितना हो जाएगा 4, x के आगे का कोफिशिएंट, राइट। अब ध्यान से देखो कि ये जो कर्व है तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, dy / dx क्या बताता है, स्लोप को, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, 2yy' इज इक्वल टू 3px स्क्वायर, क्यू का 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो तो किस पॉइंट पर हो रहा है, 2, 3, तो इसमें x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करना है, तो 2y की जगह 3 इंटू वाई डैश 3px की जगह 2, तो 2 इंटू 2, तो 2, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश क्या आ गया, ध्यान से देखो 2p, और y डैश क्या है, dy / dx, डेट इज स्लोप, स्लोप ऑलरेडी मालूम है कितना 4, तो दिस शुड बी इक्वल टू 4, सो यहाँ से p कितना आ गया 2, राइट। चूंकि ये पॉइंट इस कर्व पे भी है, राइट, तो इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो y की जगह 3 पुट करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 8p, राइट, प्लस q,
यूनो पी 2 है तो यहाँ पुट कर दो, तो 9 इज इक्वल टू 16 प्लस क्यू, सो क्यू क्या आ जाएगा माइनस 7। हमें क्या निकालना है, पी माइनस क्यू 2 माइनस ऑफ माइनस 7, तो कितना हो गया 9। योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है, बहुत ही बेसिक है। तो आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन एरिया इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, राइट। अगर ये लेंथ ए है, ये ए है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट टू ए। आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल, दैट मीन्स डी ऑफ रूट टू ए बाई डी टी कितना है, 0.5। दैट मीन्स रूट टू को बाहर लिख सकते हैं, तो डी ए बाई डी टी कितना हो गया, 0.5। आपको क्या बताना है, डी एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई डी टी, ये आपको बताना है। व्हेन एरिया इज हाउ मच, 400, तो ए स्क्वायर 400 के बराबर हो गया, तो ए कितना हो गया, 20। जहाँ पे भी ए पुट करना होगा 20 पुट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2a da by dt, ये हमें निकालना है। 2a कितना हो गया, ध्यान से देखो, 20, और da by dt निकाल चुके हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, 0.5, डेट मीन्स 1/2 by रूट टू, तो ये 2 कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा, 10√2। सो योर ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फंक्शन एफ एक्स गिवेन है, और ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो शुड बी स्मॉलर देन 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्मॉलर देन 0 होना चाहिए, डैट मीन्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ले, ये 1 होगा, ये 2, राइट, इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन इस टाइप से हो जाएगा। तो इंटरवल क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 2। सो योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। तो एक आइडिया हमने आपको बता दिया है कैसे प्रॉब्लम को थिंक करना है, वही 5 पॉइंट जो आपको बताया उसको अगर अच्छे से आप लगाओगे तो डेफिनेटली सारे प्रॉब्लम आपके हो जाएंगे। थैंक यू।